दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की आवाज पर जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो गई। लगभग 3 घंटों तक ये हाई प्रोफाइल मीटिंग चलती रही। अमित शाह, राजनाथ सिंह इसमें मौजूद रहे, दत्तात्रेय होस बोले, बीएल संतोष मीटिंग में रहे। केंद्रीय मंत्रिमंडल गठन को लेकर यह उच्च स्तरीय बैठक हुई। ओडिशा में सीएम पद को लेकर भी मंथन चिंतन किया गया। तो जेपी नड्डा की आवाज पर यह हाई लेवल मीटिंग हुई है, हाई प्रोफाइल मीटिंग, जिसमें आप देखिए सरकार से जुड़े हुए नुमाइंदे, बीजेपी से जुड़े तमाम बड़े चेहरे, संघ से जुड़े बड़े चेहरे, दत्तात्रेय होस बोले जैसे, वो इस मीटिंग में सम्मिलित हुए और लगभग 3 घंटों से ज्यादा तक मंथन चिंतन होता रहा। अलग अलग विषयों पर यहाँ पर बातचीत होती रही और जैसा ये कहा जा रहा है कि अभी क्योंकि 9 तारीख 8 तारीख या 9 तारीख इन दोनों में से फाइनलाइज डेट हो रही है, तैयारियां लगभग पूरी हो रही हैं और जब ऑफिशियल आ जाएगा तो वो डेट भी हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी 8 और 9 तारीख 8 तारीख पर पहले से ही काफ़ी ज़्यादा कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री 8 तारीख को शपथ ले सकते हैं। अभी ऐसी तस्वीरें आ रही हैं, ऐसे संकेत आ रहे हैं कि 9 तारीख को शाम 7:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। लेकिन उससे पहले जगत प्रकाश नड्डा बीजेपी अध्यक्ष उनकी आवाज पर यह हाई लेवल मीटिंग। मेरी सहयोगी कोमल शर्मा मेरे साथ जुड़ चुकी है। कोमल जी, संघ से जुड़े बड़े चेहरे, बीजेपी से जुड़े बड़े चेहरे, लगभग 3 घंटों तक ये मंथन चिंतन होता रहा, अब ये मीटिंग संपन्न हो गई है, अंदर से क्या खबरें जन तक आप तक पहुंची, क्या कुछ महत्वपूर्ण विषय रहे? देखिए रोहित, सुबह 10:30 बजे से ये जो है महत्वपूर्ण बैठक चल रही थी। खास बात ये थी, अमित शाह इसमें और राजनाथ सिंह भी मौजूद थे, बीएल संतोष इसमें मौजूद थे और इन सब नेताओं को जो है वो जिम्मेदारी दी गई है कि किस तरीके से आगे जो नई सरकार होगी उसकी मंत्रिमंडल के गठन जो होगा उसकी रूपरेखा तैयार करने की और उसकी रूपरेखा पर विचार मंथन करने की। साथ ही जो क्योंकि कई सहयोगी जो है दल जो है उनका साथ लेके बीजेपी चलेगी, एनडीए में जो और सहयोगी दल है उनकी मांग को लेकर समीकरण किस तरीके से बैठाया जाएगा, मंत्रालय किस तरीके से दिए जाएंगे, इस बात को लेकर के जो है विचार मंथन इस बैठक में जो किया गया। इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आने वाले वक्त में कई जगह जैसे कई राज्यों में जो है विधानसभा चुनाव होने हैं उन पर उनको लेकर के भी किस तरीके से मंत्रिमंडल में जो है चीज़ें बैठाई जाए उसकी रूपरेखा सारी तैयार की जाए, बल्कि हर एंगल से जो है विचार मंथन इस बैठक में जो है वो करने, इस बैठक का जो उद्देश्य है वो यही रहा। साथ में लेकिन ये भी है कि देखिए अब जिस तरीके से अलग अलग खबरें उठ कर के आ रही है कि जो सहयोगी पार्टियां हैं उनकी अलग अलग डिमांड रही है, जो कल एनडीए की मीटिंग हुई थी उसमें या उसके बाहर निकल के, तो उस पर भी जाहिर सी बात है अगर ये नेताओं तक बात पहुंची होगी या उनके सामने बात इन सहयोगी दलों ने उठाई होगी तो उन पर भी विचार मंथन किया जाएगा। कल संसदीय दल की बैठक भी होनी है एनडीए की, तो उसको लेकर के भी विचार मंथन, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें क्योंकि अब कवायद नई सरकार बनने की शुरू हो गई है और उसको लेकर के अब किस तरीके से सरकार जो नई बनेगी वो आगे चलेगी, क्योंकि पहले से बहुत सी चीज़ें जो है, पहले जो मोदी सरकार थी बहुमत में थी लेकिन अब किस तरीके से सहयोगी पार्टियों को लेकर चलेगी, सबकी अलग अलग मांग होगी, अलग अलग मंत्रालय की डिमांड होगी, तो उसमें किस तरीके से किसको बैठाया जाएगा, कहाँ जोड़ा जाएगा, कैसा समीकरण होगा, इन सब पर विचार मंथन जो करने का जो है इस बैठक का उद्देश्य रहा। जी अच्छा कोमल जी, जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा, उत्तर प्रदेश का जिक्र कर लो, महाराष्ट्र का आप जिक्र कर लो, आप राजस्थान का जिक्र कर लो, क्या वहां पर संगठनात्मक तौर पर बदलाव भी जल्द देखने को मिल सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं रोहित, क्योंकि बीजेपी की ये स्ट्रैटेजी रही है कि अगर इलेक्शन टाइम से ही देखेंगे कि हर चीज़ पर चाहे जीत हो उसके पे भी विचार पहले स्ट्रैटेजी बनती है, विचार मंथन बैठकों का दौर रहता है, मैराथन बैठ के लगातार रही और अब जहां पर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही है उसको लेकर के भी जो है विचार मंथन आगे किया जाएगा।